अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी, आज मैं बनाने वाली हूँ रवायती दाल चावल, और जो कि सबको पसंद होते हैं। जी, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक लिया और 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो जिंजर का पेस्ट ले लिया। अब मैं जिसको अच्छी तरह से सौते कर लूँगी ऑयल में, और ऑयल जो है वो मैंने 1/2 कप लिया था, तकरीबन मैंने 1/2 कप यूज़ किया है, और 1/2 कप में भी 1/2 अभी यूज़ करूँगी और 1/2 मैं बाद में यूज़ करूँगी। जी, मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी, और 1 पिंच ऑफ कलवंजी की मैंने ऐड कर दी है इसमें, और मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जी, उसके बाद मेरे पास ये फ्राइड ऑनियन थे और मैंने ऑनियन ऐड कर दिया इसमें। इन सबको जी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ऑनियन ऐड करने के बाद ये देखिए जी, साथ ही साथ मैंने पानी रख लिया है, और क्योंकि मैंने वाइट राइस बनाने थे साथ, और साथ मैंने पानी जो है वो रख लिया है राइस के लिए। दाल ऐड की है मैंने, और ये जो चने की दाल है ये मैंने आधा घंटा पहले ही भगो के रख दी थी, वो मैंने ऐड कर दी, और मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको जो है वो अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जी दालचीनी का पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है जी, और अब मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करके इसको मैं लिड लगा लूँगी, और प्रेशर कुकर जो है ना 25 मिनट के लिए मैं लगा लूँगी। और यहाँ पे जी मैंने राइस ऐड कर दिए थे, और साथ ही मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, 2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया यहाँ पर जी। ये लिड लगा दिया मैंने, और प्रेशर कुकर की सीटी वगैरह रख दी मैंने जी। 25 मिनट के बाद देखिए आप, बिल्कुल मज़े की दाल और एकदम गल चुकी थी, और बहुत ही परफेक्टली राइस तैयार हुए हैं। ये देखिए, राइस भी बहुत मज़े के परफेक्टली राइस तैयार हुए हैं। ये जी मेरा तरीका है बनाने का, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। एक एक दाना अलग अलग है चावलों का। जी, राइस तो हमारे हो गए हैं तैयार, अब बारी आती है जी तड़का लगाने की। जो 1/2 कप मैंने से 1/2 मैंने ऑयल बचाया था, वो अब मैंने जी अब तड़के में यूज़ होगा जी। मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने 1 क्यूब चिकन क्यूब ऐड किया है, और अब इसको मैं सौते कर रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, मिला रही हूँ मैं। इसके बाद मैं ऐड करूँगी जी इसमें, मेरे पास थी कसूरी मेथी, और वो मैंने ऐड करनी है इसमें जी। ये मैंने ऐड कर दी, आपके पास जो भी है आप अपने ही टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं जी। मेरा परफेक्टली रेडी हो गया था, और मैंने उसको तड़का दे दिया था दाल को, और बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।